डाटा एंट्री क्या है? डाटा एंट्री एक बहुत ही आसान काम है। यह काम खासकर उन स्टूडेंट और हाउसवाइफ जैसे लोगों के लिए है जो पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं या फिर रेगुलर भी यह काम करना चाहते हैं। डाटा एंट्री जॉब में आपको किसी भी कंपनी या अस्पताल, सरकारी कार्यालय जैसे विभाग में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको इन विभागों की डाटा एंट्री करनी होती है। डाटा एंट्री जॉब में आपको बस दिए गए जानकारी को डाटा के तौर पर स्टोर करना होता है। इसे स्टोर करने के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोटपैड आदि जैसे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना होता है, यानी सेव करना होता है। डाटा एंट्री जॉब में आपको बहुत सारे प्रकार के डाटा मिलेंगे जिसको आपको उस कंपनी की वेबसाइट या उस विभाग की वेबसाइट में डाटा एंट्री के तौर पर सेव करना होता है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि आपको डाटा एंट्री की नौकरी प्रदान करती हैं या करवाती हैं। इसमें आपको उस कंपनी के एम्प्लॉय की फुल डिटेल की जानकारी को डाटा के तौर पर स्टोर करना होता है। इसमें आपको कंपनी या विभाग द्वारा डाटा उपलब्ध कराई जाती है। आपको बस इस डाटा को देखते हुए कंपनी की वेबसाइट में एंट्री करना होता है। डाटा एंट्री जॉब के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको 10वीं तक की पढ़ाई की है तो आप डाटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं। डाटा एंट्री में सैलरी कितनी मिलती है? डाटा एंट्री में रेगुलर बेस पर, यानी कि किसी कंपनी या अस्पताल में महीने भर काम करने पर शुरुआत में 15 से लेकर 16,000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस होने के आधार पर किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक सैलरी मिल जाती है।